अस्सलामुअलैकुम। सब कैसे हैं जी? सब उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन के शामी कबाब। और चिकन के शामी कबाब के लिए आपको चाहिए मीडियम साइज का चिकन, उसको मैंने वॉश कर लिया है, वो डाला अंदर। और इसमें डाला 3 मीडियम प्याज, वो डाले इसके अंदर। इसमें डालने लगी हम लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसमें मैंने डालना है साबुत जीरा, पिसा जीरा, पिसा धनिया, गरम मसाला, सुरख मिर्च, नमक, ये साबुत दालचीनी और बड़ी इलायची, ये सारा कुछ इसमें हमने डाल देना है। अब हमने इसमें 2 कप चनों की दाल, वो मैंने भिगो दी थी, वो एक चिकन में 2 कप जाते हैं ना, 2 कप दाल। अब हम इसमें डाल देंगे पानी, इतना को पानी डालें कि दाल और चिकन गल जाए। अब हमने इसको अच्छे से गला लेना है ताकि चिकन भी गल जाए और साथ में दाल भी गल जाए। क्या ढकना कर दे बंद, और अब हम इसको गलने देंगे। जब चिकन गल जाए तो चिकन को दाल में से बाहर निकाल लें और उसको ठंडा होने दें, और फिर दाल का पानी ड्राई कर लें। देखिए दाल का पानी ड्राई हो चुका है, अब मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। ठंडा करके फिर हम चिकन को बोन में से उतार लेंगे और दोनों को मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें जी, चिकन और चिकन को हड्डियों से अलहदा करके दाल में मिक्स कर लिया है। अब हम इसको फूड प्रोसेसर में ग्राइंड करने लगे हैं। जी दाल और चिकन हमारा फूड प्रोसेसर में पीस गया है। अब हम इसमें डालेंगे सब्ज मिर्च 4-5, सब्ज प्याज, धनिया और पुदीना कटा हुआ, बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना काफी बारीक कट करना है। और हम इसमें डाल रहे हैं 1 लेमन जूस। अब इसको कर लेंगे हम मिक्स। अमेज़ा हमारा मिक्स हो गया है। अब थोड़ा सा अमेज़ा लें हाथ पे और उसको ऐसे गोल गोल घुमाएं, जैसे कोफ्ते नहीं बनाते वैसे घुमा के उसको थोड़ा सा चिपटा कर लें। चिपटा करने के बाद चॉपिंग बोर्ड पर ऐसे उसको घुमा लें ताकि उसकी शेप अच्छी बन जाए। आपका कबाब बन गया, शामी कबाब हमारे बन गए हैं जी जी। अब हम इनको फ्राई करते हैं। एक अंडा फेंट लें अच्छे से। इसमें अच्छे से डिप करके अब आप ऑयल में डालते हैं। शामी कबाब मेरे बन गए हैं और लगता है मेरा गला भी खराब हो रहा है। लो जी, शामी कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इनको एंजॉय करते हैं, मिलते हैं और एक और नई रेसिपी के साथ, नए व्लॉग के साथ। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।